को बताएं, तहरीक इंसाफ नासिर दुरानी को मनाने में नाकाम हो गई। नासिर दुरानी ने तहरीक इंसाफ से निगरान वजीर आला बनने से मुआजरत कर ली। अहम खबर शामिल करते हैं, अपडेट करते चले निगरान वजीर आला के मामले के हवाले से। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ की कोशिशें नाकाम हो चुकी। तहरीक इंसाफ नासिर दुरानी को मनाने में नाकाम हो गई। नासिर दुरानी ने तहरीक इंसाफ से निगरान वजीर आला बनने से मुआजरत कर ली। आपको बताएं, साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी ने निगरान वजीर आला बनने से मुआजरत कर ली। आपको बताएं, सितंबर 2013 से मार्च 2017 तक ये आईजी खैबर पख्तूनख्वा रहे। नासिर दुरानी की हवाले से खबर शामिल करते हैं। आपको बताएं, तहरीक इंसाफ नासिर दुरानी को मनाने में नाकाम हो गई। नासिर दुरानी ने तहरीक इंसाफ से निगरान वजीर आला बनने से मुआजरत कर ली। अहम खबर शामिल करते हैं, निगरान वजीर आला के हवाले से अपडेट करते चले। आपको बताएं, साबिक आईजी खैबर पख्तूनख्वा नासिर दुरानी ने तहरीक इंसाफ से मुआजरत कर ली। इस हवाले से मजीद तफसील जानते हैं नुमाइंदा लाहौर रंग उमर दराज से। जी उमर दराज, बताएगा नासिर दुरानी ने निगरान वजीर आला बनने से मुआजरत कर ली? जी बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने हुकूमत के जो मुस्लिम लीग नून की हुकूमत थी, तीन दिन पहले उन्होंने नासिर दुरानी के नाम पर जो है वो लचक दी थी। उन्होंने ग्रीन सिग्नल दिया था कि अगर तहरीक इंसाफ नासिर दुरानी को निगरान वजीर आला लगवाना चाहती है तो उसके लिए उन्होंने मातगी का इजहार किया था, जिसके बाद जो है तहरीक इंसाफ की क्यादत ने जो है वो दोबारा रब्ता किया था नासिर दुरानी से, और उनसे काफी कोशिश के बाद जो है नासिर दुरानी ने यही कहा है कि जी वो हमारे जराये के मुताबिक यही कहा है कि उन्होंने माजत कर ली है निगरान वजीर आला लगने से, और उनका कहना है कि मैं क्योंकि मेरी सेहत इजाजत नहीं देती इसलिए मैं ये जिम्मेदारी नहीं उठा सकता, लिहाजा मेरे नाम जो है वो निगरान वजीर आला की लिस्ट से निकाल दिया जाए और मैं इस जिम्मेदारी को जो है ना बेहतर और एहसन तरीके से सर अंजाम नहीं दे सकता। जी, इस जिम्मेदारी को एहसन तरीके से नहीं सर अंजाम दे सकता। बहुत शुक्रिया उमर दराज तफसीलात से आगाह करने के लिए।